सब्सक्राइब करें अक्सर स्टार रानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास सेवन्थ। आज मैं तुहाडे लिए चैप्टर नंबर 16 शहीदी जोड़ मेला लैके हाजिर हाँ। अज आप छोटे साहिबजादियां दी शहीदी बारे पढ़ांगे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे बारे पढ़ांगे भी गुरु गोबिंद सिंह जी दे जो छोटे वाले जो दो बेटे सीगे उन्हां नूं किस तरह शहीद किया गया, किस तरह नीहां विच चिणवाया गया ते किवें उन्हां दी याद विच इह शहीदी जोड़ मेला भरदा है, पिछले समय विच इस नूं की कहा जांदा सीगा। ठीक है, इस बारे पढ़ांगे ते हुण तुसीं मेरे नाल चैप्टर रीड करो बच्चो, शहीदी जोड़ मेला। हाँ जी, देखो अज तो लगभग 300 साल पहलां दी गल है जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादियां नूं ज्यौंदे जी नीहां विच चिणवा दिता गया सी। इह शाका पंजाब दी धरती उत्ते सरहद विखे वापरिया। साढ़े देश विच उस समय मुगल राज करदे सन। जदों ये साका होया सीगा पंजाब दी धरती उत्ते, उस समय पंजाब विच या भारत विच कह लो भी मुगलों का राज सीगा। ठीक है, मुगल हाकम तलवार दे जोर नाल भारतीय लोगों नूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदे सन। इस औखी घड़ी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मजलूम लोगों की ढाल बने। मुगलों ने आनंदपुर साहिब दे किले नूं घेरा पा लिया। जिहड़े मुगल सीगे उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं हराउण लई, उन्हां दा धर्म बदलण लई मुगलों ने की किया कि आनंदपुर साहिब का जिहड़ा किला सीगा उसनों घेरा पा लिया। कई दिन लड़ाई चलती रही, मुगल फौजां ने कसमां खाधियां कि जे गुरु जी सिंघां समेत किला छड जाण तां असीं लड़ाई बंद कर देवांगे। कि जिहड़ी मुगल फौज सी उन्होंने चाल चली, चाल की चली कि कसम खाधी कि जेकर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिंघां समेत आनंदपुर साहिब का किला छड जाण तां असीं लड़ाई बंद कर देवांगे। तो उधर किले विचला रसद पाणी खत्म हो गया। पहला तो गुरु जी किला छड़ना ना मन्ने, पर पंजा सिंघां ने मिल के गुरु जी नूं बेनती की तो उन्हां दी बेनती मनते हुए गुरु जी एक रात किला छड़ तुरे। जदों मुगलों ने कहा भी असी कसम खाते हाँ भी जेकर गुरु जी किला छड़ के चले जाएंगे तो असी लड़ाई बंद कर देवांगे। इधरों जदों आनंदपुर साहब के किले नूं घेरा पाया गया तो रशद पाणी सीगा वो खत्म हो गया, क्योंकि किले की घेराबंदी के दौरान मुगलों ने रशद पाणी का जिन्ना भी समान सीगा वो किले के अंदर नहीं जान दिता। पहला तो गुरु जी नहीं मन्ने, पर जेडे पंज प्यारे सीगे जदों उन्होंने बेनती की तो गुरु जी मन गए अते एक रात किला छड़ के चले गए। उन्हां दे नाल खालसा फौज अते परिवार दे जी सन, उन्हां दे नाल खालसा फौज सीगी अते उन्हां दे परिवार दे कई जी नाल सीगे। रात नूं मीह भी पै रहा सी। जदों उन्होंने किला छड़िया तां सिखां दी फौज अते परिवार विच उन्हां दी मां, उन्हां दे चार साहिबजादे भी सीगे, इधर मीह भी पै रहा सी। मुगल फौज कसमां तोड़ के गुरु जी का पिछा करन लगी। मुगल फौज ने की किया कि कसम तोड़ दित्ती। पहला कसम खाधी सीगी ना कि जेकर गुरु जी किला छड़ दिंदे है तां असीं उन्हां दा लड़ाई बंद कर देवांगे। उन्होंने वो कसम तोड़ के ते गुरु जी का पिछा करन लगे। रस्ते विच सरसा नदी पैंदी सी जिस विच हड़ आया होया सी। मीह दे कारण सरसा नदी विच भी हड़ आया होया सी। गुरु जी वड्डे साहिबजादियां अते कुछ सिंघां समेत सरसा नदी पार कर गए। गुरु जी दे जिहड़े वड्डे साहिबजादे सीगे अते कुछ सिंघ सीगे उन्हां समेत सरसा नदी पार कर ली। कुछ परिवार दिल्ली वल निकल गए। रात दे हनेरे विच गुरु जी दा परिवार विछड़ गया। इस स्थान उत्ते अजकल गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा सुशोभित है। सरसा नदी दे उत्ते परिवार सीगा जिहड़ा उह विछड़ गया ते इस वास्ते इस जिहड़ी नदी है सरसा नदी है इत्थे परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा है जिहड़ा उह सुशोभित है। माता गुजरी जी अते दो छोटे साहिबजादे गंगू नाल उस दे पिंड सहेड़ी जिला
रूपनगर आ गए। जिहड़ा गंगू सीगा, गंगू इन्हां दा रसोईया सीगा माता गुजरी जी, अते जो दो छोटे साहिबजादे सीगे ओह गंगू नाल उस दे पिंड सहेड़ी आ गए। गंगू कौन सी? गंगू गुरु घर दा रसोईया सी, माता जी अते बच्चियां नूं उसने अपने घर रख्या। गंगू दा मन माता जी दी मोहरा वाली थैली वेख के बेईमान हो गया। गंगू सीगा जिहड़ा, उसकी नज़र कित्थे सीगी? जिहड़ी माता गुजरी कोल मोहरा वाली, सोने दियां मोहरा वाली जिहड़ी थैली सीगी, उसनू देख के गंगू दा मन बेईमान हो गया। उसने मोहरा वाली थैली चुरा ली। फिर इनाम दे लालचवस उहने माता जी अते छोटे साहिबजादियां नूं मोरिंडे दे कोल गिरफ्तार करवा दिता। ते ये भी मुगलों ने यह ऐलान किया सीगा भी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार बारे थोड़ी बहुत भी सूह देवेगा, सूचना देवेगा, उसनों इनाम दिता जाएगा। तो गंगू ने चोरी भी की थैली की, मोहरा वाली थैली की, होर इनाम के लालच में छोटे साहिबजादियां अते माता जी नू की है बोरिंडे दे कोल गिरफ्तार करवा दिता। माता गुजरी जी अते साहिबजादियां नू सरहिद दे ठंडे बुरज विच कैद रख्या गया। बच्चे दिसंबर दा महीना सीगा। माता गुजरी जी अते जो छोटे साहिबजादे सीगे उन्हां नू सरहद दे ठंडे बुरज विच, बुरज देखो बच्चों की हुंदा है, बुरज दे दीवारां हुंदियां ने ते दीवारां विच बहुत वड्डे वड्डे छेद हुंदे है। ये बुरज लड़ाई दे विच कम आउंदे सीगे, बंदूक दियां नलियां कढ कढ के मतलब गोलाबारी गोलियां चलाईयां जांदियां सीगियां। ते दिसंबर दे महीने विच उस ठंडे बुरज विच खुले छत हेठां माता जी अते साहिबजादियां नू कैद रख्या गया। सरहिंद दे सूबे वजीर खान की कचहरी विच साहिबजादियां नू पेश किया गया। तीन दिन पेशियां पैंदियां रहियां भी सरहिंद दा जिहड़ा, सरहिंद दा जिहड़ा वजीर सीगा, सॉरी सूबा वजीर खान सीगा, उसकी कचहरी विच साहिबजादियां नू तीन दिन पेश किया गया। साहिबजादियां नू अपना धर्म बदलन लई मजबूर किया गया। लड़ाई भी ऐसे गल दी सी, लोकां नू जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा सी। सूबा सरहिंद ये चाहुंदा सी कि जे ये बच्चे मुसलमान बन जाण तां बाकी लोग अपने आप ही मुसलमान बन जाणगे। जिहड़ा वजीर खान सीगा उसका की इरादा सीगा भी जेकर ये बच्चे मुसलमान बन गए तो पिछे पिछे बहुत लोग है जिहड़े वो अपने आप मुसलमान बन जाणगे। पर जुल्म अगे झुकण दी थां साहिबजादियां ने शहीदी दे दित्ती। पर जिहड़े बच्चे छोटे बच्चे सीगे ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੇਸੁਮਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ,
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੋਕ ਸਭਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪੇਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਬੇਸੁਮਾਰ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਧੰਨਵਾਦ